हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के एपिसोड में मैं बनाने वाली हूँ 4 टाइप्स ऑफ मिल्कशेक्स। ये मिल्कशेक्स बहुत ही यमी, क्रीमी और थिक हैं, बहुत ही रिच हैं बिकॉज ये ड्राई फ्रूट, सीड्स और आइसक्रीम से लोडेड हैं। एंड ये हमने सीजनल फ्रूट से बनाए हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड दीज मिल्कशेक्स आर केपेबल ऑफ बीइंग काउंटेड एज अ मील इन इटसेल्फ। इस गर्मी में घर पे बैठो और मिल्कशेक का लुत्फ उठाओ। आइडली मिल्कशेक किड्स ज़्यादा लाइक करते हैं, बट ये मिल्कशेक्स बड़े, बच्चे सब इंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। सो द फर्स्ट मिल्कशेक हम बनाने जा रहे हैं वो है मैंगो क्रीमी मिल्कशेक। सो मैंगो क्रीमी मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने ब्लेंडर में 1 रफली चॉप्ड मैंगो लिया है, 1/2 कप चिल्ड मिल्क डाला है और उसमें मैंने डाले हैं 2-3 काजू, 2-3 किशमिश और 3-4 ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स। अब उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। बट मेक श्योर वन थिंग, हमें एक से एक साथ ब्लेंड नहीं करना है, पहले एक बार थोड़ा सा ब्लेंड करना है, बीच बीच में बंद करना है और इसी तरह से 2-3 बार हमें ब्लेंड कर लेंगे। एंड दैट्स इट, अब हम इसे सर्व करते हैं चिल्ड। मैं एक ग्लास में इसे पोर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत क्रीमी बना है, बहुत रिच बना है। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्कूप ऑफ वेनीला आइसक्रीम। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चॉप्ड मैंगो। मैंने छोटे-छोटे मैंगो को चॉप कर लिया है छोटे-छोटे साइज में। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से स्लाइस्ड आलमंड्स, थोड़े से और डाल देते हैं एंड दैट्स इट। हमारा मैंगो मिल्कशेक रेडी है। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? अब हम बनाने जा रहे हैं मस्क मेलन क्रीमी मिल्कशेक। सो मस्क मेलन क्रीमी मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बॉल ऑफ मस्क मेलन लिया है जिसे मैंने पील करके चॉप कर लिया था और रेफ्रिजरेट कर लिया था फॉर 1/2 आवर। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल लेते हैं, साथ ही में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप ऑफ चिल्ड मिल्क। एंड नाउ आई एम गोना ऐड इन 1 teaspoon ऑफ शुगर, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। नाउ आई एम गोना पोर इट इन द ग्लास एंड एज यू कैन सी ये बहुत थिक बना है, सेम लाइक मैंगो शेक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। मैंने यहाँ पे वेनिला आइसक्रीम यूज़ की है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड मेलन। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड किशमिश, रफली चॉप कर लिया है जिसे मैंने, और स्लाइस्ड आलमंड्स यूज कर रही हूँ जो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे थे। एंड दैट्स इट, हमारा मस्क मेलन क्रीमी मिल्कशेक रेडी है। अब हम बनाएंगे माय फेवरेट बनाना थिक एंड हेल्दी मिल्कशेक। सो बनाना थिक हेल्दी मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्लाइस बनाना और इसे मैंने रेफ्रिजरेट कर लिया था फॉर अबाउट 1/2 आवर। इसे भी ब्लेंडर में डाल लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon ऑफ पीनट बटर और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप ऑफ चिल्ड मिल्क। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। पोर कर लेते हैं हम इसे ग्लास में। लुक एट दिस, ये भी बहुत क्रीमी एंड थिक है ना। इसमें मैं कोई आइसक्रीम ऐड नहीं करने वाली हूँ बिकॉज जो हमने इसमें बनाना यूज़ किए हैं, जो फ्रोजन बनाना यूज़ किए हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक और बहुत क्रीमी बनेगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड किशमिश, थोड़े से काजू
and I'm gonna top it up with some sliced almonds. इस पे मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ चिया सीड्स, बिकॉज हम इसको बहुत ही हेल्दी वर्जन बनाने वाले हैं. एंड थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर देते हैं इस पे पम्पकिन सीड्स. एंड देयर वी गो, हमारा बनाना थिक एंड हेल्दी मिल्क शेक रेडी है. Any guesses, guys, for next milkshake? You're right. Now we are going to prepare Oreo chocolate milkshake. And this milkshake is my personal favorite. So Oreo shake बनाने के लिए सबसे पहले हम glass ready कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक glass लिया है और अब मैं इसको chocolate syrup से इस तरह से coat कर लूँगी. Roughly coat करना है so that ये बहुत ही अच्छा सा design बन के बाहर आए. मैं यहाँ पे Hershey's का use कर रही हूँ. आप चाहो तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हो. इस तरह से उसके बॉटम पे उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इस ग्लास को हम फ्रीज कर देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर. नाउ एक ब्लेंडर लेंगे और उसमें मैंने ऐड किया है हाफ कप ऑफ चिल्ड मिल्क. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बॉल ऑफ ओरियो बिस्किट्स. 10 रुपीज़ का जो पैकेट आता है ना वो मैंने 2 यूज़ किए हैं. अब हम इसे कर देंगे ब्लेंड. So, हमारा ग्लास रेडी हो चुका है, अच्छे से फ्रीज हो गया है. अब हम इसमें पोर कर देते हैं हमारा ओरियो शेक. लुक एट दिस, है ना यम्मी. अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्कूप ऑफ वेनिला आइसक्रीम. और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप. एंड फॉर गार्निशिंग मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ चोको वेफर रोल्स. 2 रोल्स मैंने यूज किए और इसे इस तरह से हम इसमें डाल देंगे. एंड दैट्स इट, हमारा ओरियो मिल्कशेक बिल्कुल रेडी है. सो गाइस, कैसे लगे आपको ये हमारे मिल्क शेक्स? अगर आपको ये मिल्क शेक्स पसंद आए हैं, इसे अपने अपने घरों में ट्राई कीजिए. ज़रूरी नहीं है, किसी और के घर में भी ट्राई कर सकते हो. और हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे बने हैं मिल्क शेक. सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.